फैसल खान, कम्युनिटी बेस्ड हाई स्कूल में टाइकोंडो मार्शल आर्ट टीचर हूँ और ये मेरे असिस्टेंट हैं लाल खास खेली। मेरा अपना नाम मोहम्मद फैसल खान है और मैं टाइकोंडो का 4-time ब्लैक बेल्ट हूँ। इसके अलावा मैं MSc स्पोर्ट्स साइंस भी कर चुका हूँ। मैं अपनी फील्ड के अंदर अलहमदिल्ला बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूँ, लेकिन क्लासेस के हवाले से मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज से बताऊँगा। सबसे पहले ये आपको बता दिया जाए कि टाइकोंडो बेसिकली है क्या। टाइकोंडो एक मार्शल आर्ट है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स लेवल पे खेला जाता है और ये वाहिद मार्शल आर्ट है जो इस वक्त ओलंपिक्स में खेला जा रहा है और इसके इसको इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और फोर्सेस डिपार्टमेंट में भी इसकी टीम्स मौजूद हैं जो नेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतें दिखाते हैं और उनके जो शागिर्द हैं और जो प्लेयर्स हैं। हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को बेसिक लेवल से स्कूल ग्रास रूट लेवल से आगे की तरफ लेकर जाएं, जो सिंध डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, सिंध लेवल्स पर, फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर अपनी सलाहियतों को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा आज हम आपको बेसिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो बेसिक लैंग्वेज है की ये कोरिया का नेशनल गेम है, इसलिए इसमें कोरियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम अटेंशन पोजीशन में आते हैं। अटेंशन पोजीशन में सबसे पहले आपको कॉल की जाएगी छरियत। छरियत का मतलब है अटेंशन। इसमें आपका ये पंच इस पोजीशन में होगा, थंब फ्रंट के ऊपर होगा इस पोजीशन में। इसके अलावा जब भी हम पंच बनाएंगे, चाहे वो ब्लॉक की कंडीशन में बनाएं या हम उसको पंच मारने के लिए, तो उस वक्त हमारा ये थंब इस जगह पे होगा। सिर्फ छरियत पोजीशन में हमारा ये थंब साइड पे होगा और इस कंडीशन में हम लोग और हमारा फोकस बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जब आपको कॉल की जाएगी ख्यूंगे, तो आपने बॉडी को स्लोली डाउन करना है और स्ट्रेट कर देना है। छरियत में जो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, एक तो हमारे फीट जो है, ये पाँव दोनों आपस में मिले, पाँवों के साथ साथ हमारी बॉडी सीधी हो, और जब हम बॉडी को डाउन करके एक सेकंड के लिए स्प्रे करेंगे तो दोबारा खड़े हो। उसके बाद हम आते हैं तीसरी कमांड, झुंबी। झुंबी मींस रेडी पोजीशन। उसमें आपका ये लेफ्ट फुट ओपन होगा और ये दोनों हैंड्स बैल के सामने से फिंगर्स को इस पोजीशन में हमने उठाना है। ये आपकी एल्बो कोनी जो है, ये और कलाई एक लाइन में, यहाँ से ये पंच बनेगा और स्लोली ही जिस स्पीड से हम अप कर रहे हैं उसी स्पीड से हम स्लोली डाउन करेंगे। इसमें स्पीड या इस तरह से झटका नहीं देना है, ये पोजीशन रॉन्ग हो जाती है। इसमें अगर हम आगे चल के अगर बच्चों को इसकी आदत हो जाए तो फिर आगे पोजीशंस के लिए जब हम कॉम्पिटिशन लेवल पर जाते हैं तो इसके पॉइंट्स माइनस होते हैं उनसे। तो इसलिए बिल्कुल अभी से ही हम इस चीज़ की आदत डालेंगे। ये झुंबी पोजिशन, झुंडी मींस रेडी पोजीशन। इसके बाद हम किक पोजीशन में भी आते हैं, पंचिंग पोजीशन में भी आएंगे हम। मींस इसके बाद हमारे दो तीन पोजीशन होंगे जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आज हम आपको बताएंगे बेसिक स्ट्रेचिंग वार्म अप, जो हमारी हर स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी, जब हम कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उस खेल को खेलने के लिए काबिल नहीं, काबिल से मुराद हमारे बॉडी के मसल्स एक्टिव नहीं होते, लूज नहीं होते या स्ट्रेच नहीं होते, इसमें इंजरी के चांसेस होते हैं। इसलिए वार्म अप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले हम जंप करेंगे। कम से कम जंप का जो ड्यूरेशन है वो 2-3 मिनट होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट वीक का ड्यूरेशन है। स्टार्ट करेंगे हम, पंचेस फ्रंट पे होंगे और हमारी लेग्स की पोजीशन इतनी होनी चाहिए कि हमारी नॉर्मल स्टेप। ये कम से कम 1 मिनट आपने इसको कंटिन्यू जंप करना है जब हम फर्स्ट डे इस चीज़ को करेंगे। उसके बाद हम चेंज करेंगे, 1 मिनट का ड्यूरेशन इसका हम रखेंगे मिनिमम। बाकी अगर आपका स्टेमिना इतना है कि आप फील कर रहे हैं कि आपका स्टेमिना बिल्कुल सेट है तो आप ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। चेंज,
अब हम बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले नेक मूवमेंट एक्सरसाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर एक्सरसाइज को 10 टाइम्स उसको जरूर करें। स्टार्टिंग में अप डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, नाउ इस पोजीशन में हैंड को स्प्रेड करेंगे और बैक इसको पुश करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, 1, बैक लेके जाएंगे बॉडी को और स्टेप्स आपके सीधे होने चाहिए, स्टेप आपके मूव नहीं होंगे, हैंड्स आपके शोल्डर लेवल तक होने चाहिए, उसके बाद बॉडी मूव करेंगे, 2, 3, शोल्डर से ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, बिलो द शोल्डर इसको रखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वार्म अप को अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे। अब हम आइए ये साइड टू साइड करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बॉडी बिल्कुल साइड जानी चाहिए, इसमें आपने बॉडी को ऐसे झुकाना नहीं है, बहुत ज्यादा यू टर्न नहीं करना है, बॉडी साइड रहेगी उसके बाद बॉडी को उसको पुश करेंगे। बेशक आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो, लेकिन जहाँ तक आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है वहाँ तक करें, और किसी भी एक्सरसाइज में हमें फोर्स नहीं लगाना, बॉडी को सिर्फ मूव करना है और जहाँ तक आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, स्ट्रेच हो रही है वहाँ तक करें, टाइट नहीं करेंगे बॉडी को, उसको रिलैक्स होकर करना है ताकि आपकी बॉडी पेन नहीं करे। ओके, इसके बाद हम करेंगे फ्रंट साइड डाउन, लेग्स को प्रॉपर ज्वाइंट करेंगे, इसके बाद हम फ्रंट के ऊपर डाउन करेंगे लाइक दिस, 1। इसमें नीज आप स्ट्रेट होने चाहिए और ये साइड पोजीशन होगी, 2, इसमें बैक करेंगे बॉडी को, 3, फिंगर्स को स्ट्रेट रखें, बॉडी को लाइटली पुश, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेजोरिटी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको हम 10 टाइम उसको हमने करना है, ताकि ये हमारी एक बॉडी की एक जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन कर सके। हर एक्सरसाइज को अब हम करेंगे लॉन्ग बॉडी एक्सरसाइज,
ये इसमें हमने लोअर बॉडी के अंदर हमने नीज को होल्ड करना है, लेग्स को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम नीज मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे, इन टू आउट स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब आउट टू एंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अब हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसमें हमने राइट अपनी लेफ्ट को डॉपिंग करेंगे और टोस को इस पोजीशन में रखेंगे, जो सेकंड लेग है ये नी बैंड होगा हमारा, ये स्प्रेड है और इसके ऊपर ही हमने इसको पुश करना है, 1, 2, इसमें हमने बॉडी को घुमाना नहीं है, मेजोरिटी लोग बच्चे जो हैं वो इसमें ये मिस्टेक कर जाते हैं, सिर्फ आपकी बॉडी शिफ्ट होनी चाहिए, लाइक सिर्फ लेग चेंज होगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, 3, 9, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ इतना रखें कि आपका नी और ये फुट एक लाइन हो, 4, 5, इसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करते जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, ओके चेंज करेंगे, ये सेकंड साइड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें आपकी ब्रेस्ट बिल्कुल स्प्रेड होगी और शोल्डर और ब्रेस्ट एक लाइन, बैक भी आपका स्प्रेड रहेगा और ये पंजे के ऊपर आपकी बॉडी होगी, एड़ी को उठा के रखना है और सामने वाले नी को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पुश करना, इसमें बॉडी को जितना बैक कर सकते हैं आप पीछे कीजिए, 2, बॉडी चेंज, 3, लाइक उसको सीधा रखेंगे, ये मुड़ना नहीं चाहिए, यस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप स्ट्रेचिंग करेंगे, इसमें हम फ्रंट स्ट्रेचिंग करेंगे, बॉडी आपकी लेग्स जहां तक स्ट्रेट हॉपिंग कर सकते हैं वहां तक करेंगे, नी बैंड नहीं हो रहा है, चाहे आप टोस पे करें या फुल फुट डाउन करके करें, हैंड्स आपके अगर स्ट्रेचिंग आपकी कम है तो आप कम करें, जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेचिंग फर्स्ट डे ही ज़्यादा हो, सिर्फ इतना कि आपके मसल्स स्ट्रेच हो ताकि आप जब किकिंग करें तो आपके मसल्स जो है वो डैमेज ना हो, ये आज का हमारा वार्म अप कंप्लीट हुआ,
अब इसके बाद हम किक्स की तरफ आएंगे, ताकि आपको किक्स जो स्टार्टिंग बेसिक किक्स हैं उसके बारे में मैं आपको